जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान नाम की महिमा। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान नाम जप का तो कुछ विलक्षण ही फल होता है। यह नाम की अलौकिक महिमा है। दूसरे जपों में अनेक प्रकार के विधि निषेध होते हैं, शुद्धि अशुद्धि का बड़ा विचार करना पड़ता है, परंतु भगवान के नाम में ऐसी कोई बात नहीं। अपवित्र हो पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते ही बाहर और भीतर की शुद्धि हो जाती है। जल मृत्तिका से केवल बाहर की ही शुद्धि होती है, परंतु भगवान नाम भीतर के मलों को भी अशेष रूप से धो डालता है। इसका किसी के लिए किसी भी अवस्था में कोई निषेध नहीं है। इस मंत्र में भगवान के तीन नाम हैं, हरि, राम और कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में भगवान के तीन नाम हैं, हरि, राम और कृष्ण। इनमें हरि शब्द का अर्थ है जो योगियों के चित्तों को हरण करता है, वह हरि है। जैसे अनिच्छा से स्पर्श कर लेने पर भी अग्नि जला देती है, इसी प्रकार दुष्ट चित्त से भी स्मरण किया हुआ जो पापों को हर लेता है, उसे ही हरि कहते हैं। राम शब्द का अर्थ है जिसमें योगी गण रमण करते हैं, उसका नाम राम है। जिस अनंत चिद आत्मा परब्रह्म में योगी गण रमण करते हैं, वह है राम। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो योगियों के चित्त को आकर्षण करता है, वह कृष्ण है, अथवा कृष्ण भू याने सत्तावाचक है और अणे निवृत्तिवाचक है। इन दोनों की एकता होने पर परब्रह्म कृष्ण कहलाता है। मन की वृत्तियां ऐसी बन जानी चाहिए कि जिससे भजन हुए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़े। जैसे सांस रुकते ही गला घुट जाता है, प्राण अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाने लगते हैं, इसी प्रकार भजन में जरा सी भी भूल होने से, क्षण भर के लिए भी भजन छूटने से प्राण छटपटाने लगे। इसलिए भगवान नारद कहते हैं, निरंतर भजन करने से ही भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता है। जिसका भजन करना होता है, सर्वप्रथम उसका नाम जानना पड़ता है। इसलिए नाम ही भजन का मूल है। निरंतर नाम कीर्तन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नाम के यथार्थ महात्म्य को समझकर जहाँ तक हो सके नाम लेने में कदापि इस लोक और परलोक के भोगों की जरा सी भी कामना नहीं करनी चाहिए। यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार नाम जप से कामना सिद्धि के सिवा अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवत भक्ति रूप विशेष फल भी मिलता है, परंतु नियम यही है कि जैसी कामना हो सांगोपांग कर्म होने पर वैसा ही फल मिल जाए। जो लोग भगवान नाम का साधारण बातों में प्रयोग करते हैं, वे वास्तव में भगवान नाम की अपार महिमा से सर्वथा अनभिज्ञ हैं या उस पर उनका विश्वास नहीं। जो रतन मूल्य से अनभिज्ञ होगा, वही उसे कांच मोल पर बेचेगा। देखिए भैया, नाम जप का फल अवश्य होता है, परंतु जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। दंभार्थ नाम लेने वाले भी संसार में पूजे जाते हैं, उनके पापों का नाश भी होता ही है, परंतु अनंत जन्मों के संचित और इस समय भी लगातार होने वाले अनंत पाप श्रद्धा रहित नाम से पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नाम से पूरा फल प्राप्त न होने में श्रद्धा के अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है, साधक का सकाम भाव। हम बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु को बहुत सस्ते दामों पर बेच देते हैं। सिर में मामूली सा दर्द होता है तो उसे मिटाने के लिए राम राम कहते हैं, 150 रुपये की कमाई के लिए राम नाम लेते हैं, स्त्री बच्चों की आरोग्यता के लिए राम नाम लेते हैं, मान बढ़ाई पाने के लिए राम नाम कहते हैं, संतान सुख के लिए राम नाम कहते हैं।
फल यह होता है कि हम राम नाम लेने पर भी कमाने के साथ ही साथ लुटाने वाले मूर्ख के समान जैसे के तैसे ही रह जाते हैं। चलनी में जितना भी पानी भरते रहो सभी निकल जाएगा। हमारा अंतःकरण भी कामनाओं के अनंत छेद से छलनी हो रहा है, इसमें कुछ भी ठहरता नहीं। राम नाम का फल कैसे हो? प्यास लगी हुई है जगत में, सुख की पिपासा किसको नहीं है। पवित्र जल का भी झरना झर रहा है, राम नाम के झरने का प्रवाह सदा ही अबाधित रूप से बहता है, परंतु हम अभागे उस झरने के आगे अंजलि बांधकर जल ग्रहण नहीं करते। हम उसके आगे रखते हैं हजारों छेद वाली छलनी, जिसमें न तो कभी पानी ठहरता है और न हमारी प्यास ही बुझती है। सकाम भाव से लिए हुए नाम से भी, नाम के असली फल आत्यंतिक सुख से हम इसी प्रकार वंचित रह जाते हैं। प्रथम तो कोई भगवान का नाम लेता ही नहीं, और यदि कोई लेता है तो वह सकाम भाव से धन संतान मान बढ़ाई की वृद्धि के लिए लेता है। नियम अनुसार फल में जहाँ का तहाँ ही रहना पड़ता है, परंतु नाम की महिमा अपार है। इस प्रकार लिए हुए नाम से भी फल तो होता ही है, सकाम कर्म की सिद्धि भी होती है और आगे चलकर भगवत भक्ति प्राप्त होती है। कोई सकाम भाव से नाम जप किया करता था तब भी उसकी ऐसी विपत्तियाँ टली हैं जिनके टलने की कोई भी आशा नहीं थी। केवल वह विपत्तियाँ ही नहीं टली, उसका और भी फल हुआ। नाम में रुचि बढ़ी और आगे चलकर निष्काम भाव भी हो गया। भगवान नाम लेने का अंतिम परिणाम है भगवान में एकांतिक प्रेम हो जाना। एकांतिक प्रेम होने के बाद प्रेम में के मिलने में जरा सा भी विलंब नहीं होता। जैसे ध्रुव को, विभीषण को राज्य की भी प्राप्ति हुई और भगवान का प्रेम भी मिला। इसलिए शास्त्रों में चाहे जैसे भगवान नाम लेने वाले को बड़ा उत्तम बतलाया गया है। भगवान ने गीता जी में इसलिए अर्थार्थी भक्त को भी उदार और पुण्यात्मा बतलाया है, और अंत में मद भक्ता यान्ति मामपि कहकर चाहे जिस प्रकार भी भगवत भक्ति करने वाले को अपनी प्राप्ति कही है। क्योंकि सकाम भाव से अन्य सबकी आशा छोड़कर, अन्य सबका आश्रय त्याग कर केवल भगवान की भक्ति के परायण होना भी बड़े भारी पुण्यों का फल है। अतएव सकाम भाव से भगवान के नाम ग्रहण करने वाले लोग भी बड़े पूज्य और मान्य हैं। परंतु सकाम भाव पर प्रतिबंध के कारण नाम के वास्तविक फल नामी के प्रेम की या स्वयं नामी की प्राप्ति में थोड़ा विलंब अवश्य हो जाता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि नाम से फल तो अवश्य होता है, परंतु अश्रद्धा, अविश्वास और कामना के कारण उसके असली फल की प्राप्ति में देर हो जाती है। जय श्री राधे।